Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पाकिस्तान की कश्मीर नीति दशकों से आतंकवाद और हिंसा पर आधारित रही है। बार बार आतंकियों को भेजकर सीमा पार से फंडिंग और हथियार सप्लाई करके पाकिस्तान ने कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की, लेकिन जब इसके बावजूद वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया तो पाकिस्तान ने एक नई चाल चल दी। दरअसल एक तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की 30वीं बरसी पर उसे श्रद्धांजलि देते हुए कश्मीर का राग अलापते हैं, तो दूसरी तरफ वे भारत से शांति और व्यापार की उम्मीद करते हैं। और तो और बेशर्मी की हद तक जाकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SCO बैठक के लिए आमंत्रित भी करते हैं। बता दें, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में सैयद अली शाह गिलानी की 3री बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे पर अपनी भ्रामक और उग्र बयानबाजी का सहारा लिया। गिलानी, जिन्हें पाकिस्तान ने हमेशा अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया, उनके गुणों का बखान करते हुए जरदारी ने कहा, गिलानी कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति प्रतिबद्ध थे। शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर गिलानी को महान कश्मीरी नेता बताया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान का ये नया रुख आखिर क्या दिखाता है। दरअसल कश्मीर में आतंकवाद फैलाकर पाकिस्तान ने हमेशा से भारत को कमजोर करने की कोशिश की। उसने सैकड़ों आतंकियों को भेजकर निर्दोष लोगों की जान लेकर और घाटी में हिंसा भड़काकर ये साबित करने की कोशिश की कि कश्मीर उसके समर्थन के बिना कुछ नहीं। लेकिन भारत की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और कश्मीरियों के बीच पाकिस्तान के प्रति घटते समर्थन ने पाकिस्तान की इस रणनीति को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा, अपने नाकाम नेता गिलानी की बरसी पर श्रद्धांजलि देना और भारत खिलाफ उग्र बयानबाजी करना। लेकिन ये बयानबाजी भी महज एक ढोंग है। असलियत में पाकिस्तान अब अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत से शांति और व्यापार की उम्मीद भी कर रहा। इसकी एक ताजा मिसाल यह है कि हाल ही में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SCO की बैठक के लिए आमंत्रित किया। ये वही पाकिस्तान है जो एक तरफ भारत खिलाफ जहर उगलता है और दूसरी तरफ व्यापार और कूटनीति के लिए भारत से हाथ मिलाने की उम्मीद करता है। पाकिस्तान की इस बेशर्मी को समझना जरूरी है। ये जानना कि आतंकवाद और हिंसा के जरिए वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सकता, इसलिए अब उसने एक नई चाल चली। वो कश्मीर के नाम पर भावनात्मक खेल खेल कर अपने विफल नेताओं को महान बताकर और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा। लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा वही पुरानी है, भारत को किसी तरह से कमजोर करना। खैर कुछ भी हो, लेकिन गिलानी की बरसी पर पाकिस्तान का ये नया रुख उसकी हताशा का संकेत है। देखना तो ये होगा कि भारत किस तरह से पाकिस्तान की इस चाल को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करता है। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।